तो दोस्तों, यदि आप भी YouTube पर वीडियो डालते डालते थक गए हैं या फिर आपके बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, आपका नया चैनल है, तो आज की इस वीडियो में मैं विद प्रूफ आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे आपका वीडियो भी वायरल हो सकता है। आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी जिससे आपका चैनल जल्दी ग्रो हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिक बैट ऑनली टैग। तो दोस्तों, इस वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले आप साइड में देखिए, ये यूट्यूब का ट्रेंडिंग सेक्शन है। अब ये जो ट्रेंडिंग सेक्शन है, इसमें मैं स्क्रॉल करता हूं और यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ये पहली वीडियो है जो कि ट्रेंडिंग में है और शॉर्ट वीडियो है, 1.5 मिलियन व्यूज 2 दिन में आ चुके हैं। इसके बाद में और यहां पे स्क्रॉल करता हूं, पूरी वीडियो देखिए, मैं आपको समझाऊंगा सारी चीज। यहां पर एक और वीडियो आ चुकी है और ये 1.2 मिलियन व्यूज है 3 दिन में, और ये भी ट्रेंडिंग में है और ये भी एक शॉर्ट वीडियो है। इसके अलावा हम और स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते करते हम चलते हैं, ये तीसरी वीडियो है, 2.2 मिलियन व्यूज है 3 दिन के अंदर, और ये भी एक शॉर्ट वीडियो है और ट्रेंडिंग में है। इसके अलावा नीचे इसके बाद चौथी भी वीडियो, एक डांस की वीडियो है, ये भी ट्रेंडिंग में है और 3.3 मिलियन व्यूज है मात्र 4 दिन के अंदर। और हम आगे चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं और कितनी शॉर्ट वीडियो हमको ट्रेंडिंग में मिलती है आज। तो यहां पर आप देखिए, ये पांचवी वीडियो है, ये भी ट्रेंडिंग में है, 7,38,000 व्यूज है 3 दिन के अंदर, ये भी एक 8 सेकंड की शॉर्ट वीडियो है। और यहां पे और स्क्रॉल करते हैं तो दोस्तों, आपने देखा, यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो ट्रेंडिंग सेक्शन है आज YouTube का, इसमें 5 तो शॉर्ट वीडियो ही है, यानी कुल मिलाकर आप ट्रेंडिंग सेक्शन में शॉर्ट वीडियो भी जाने लग गई है। अब आपको क्या करना है ये सुन लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले एक दो चीज और दिखा देता हूं, आप साइड में देखिए, ये जो 5 नंबर पर ट्रेंडिंग में जो वीडियो थी शॉर्ट, इसके जो सब्सक्राइबर है वो मात्र 2,000 है, 2,000 से थोड़े से फालतू, यानी 2,890 सब्सक्राइबर है, 3,000 सब्सक्राइबर भी नहीं है, बिल्कुल नया चैनल है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो यहां पर एक और वीडियो थी 23 नंबर पर जो ट्रेंडिंग में थी, इसके अगर सब्सक्राइबर की बात करें तो देखिए, मात्र 8,000 से थोड़े से ज्यादा सब्सक्राइबर है, 9,000 भी सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं है। इसके अलावा हम और चलते हैं, एक और वीडियो थी जो कि 40 नंबर पर ट्रेंडिंग में थी, इसके सब्सक्राइबर भी 5,500 भी नहीं है, यानी 5,000 कुछ सब्सक्राइबर है, 6,000 भी कंप्लीट नहीं है। यानी कि जो नए नए चैनल है उनकी वीडियो भी, जो शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, वो ट्रेंडिंग में जाने लग गई है। अब इसका मतलब यह है कि अगर आप भी शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पर बनाते हैं तो अब ये ट्रेंडिंग में भी जाने लग गई है और YouTube बहुत ज्यादा रिकमेंड भी इनको करने लग गया है। लेकिन आपको कुछ बातें यहां पे ध्यान रखनी पड़ेगी, वीडियो अपने आप वायरल हो जाएगा। या तो आप अपना नया कोई चैनल बना लीजिए, या आपके पास कोई मोनेटाइज चैनल पहले से, उसमें शॉर्ट डालना स्टार्ट कर दीजिए। उठपटांग के शॉर्ट मत डालिए, आप एक थीम लेके चलिए शॉर्ट की। जैसे मान लीजिए, मैंने आपको दिखाया कि एक मेकअप के सामान की जो शॉर्ट थी, तो मैंने इनके चैनल पर जाकर देखा, इनके सारे शॉर्ट्स मेकअप से रिलेटेड ही थे, और जो कुकिंग वाले चैनल थे उन पे मैंने देखा कुकिंग से रिलेटेड थे, और जो डांस वाले चैनल थे उन पे डांस से रिलेटेड थे। तो आपको एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको शॉर्ट डालना है, दिन में आप 1 या 2 शॉर्ट जरूर अपलोड करें और कंटिन्यू अपलोड करते रहें। ऐसा नहीं है पहला ही शॉर्ट आपका वायरल होगा, कंटिन्यू अपलोड करते रहें जब तक आपका शॉर्ट वायरल नहीं होता है, क्योंकि वायरल बहुत ज्यादा हो रहे हैं आजकल शॉर्ट्स। आप देख रहे हैं अब ट्रेंडिंग में भी शॉर्ट्स आ रहे हैं, यानी कि 50 वीडियो में से 5 वीडियो तो शॉर्ट की ही ट्रेंडिंग में है। आने वाले टाइम में और ज्यादा शॉर्ट की वीडियो ट्रेंडिंग में आएगी तो आपकी वीडियो वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अब आप एक ही थीम पे बनाएंगे तो इससे आपको बेनिफिट होगा। दूसरा, शॉर्ट वीडियो के अंदर आप एक चीज जरूर मेंशन करें कि भाई वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को। इससे क्या होगा, आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब आप बोलते हैं कि सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को तो सब्सक्राइब बढ़ जाते हैं। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी बोल रहा हूं। तो बोलते हैं तो जरूर बढ़ते हैं। तो आप क्या करें, कंटिन्यू शॉर्ट बनाएं, एक थीम पर बनाएं और बीच बीच में बड़ी वीडियो भी डालें। इससे क्या होगा कि जो शॉर्ट वीडियो होती है ना, जैसे ट्रेंडिंग पेज पे जाती है, वहां से अगर कोई वॉच करता है तो उन पर एडवर्टीजमेंट भी आ जाती है, जिससे आप पैसे भी कमा लेते हैं। अगर वो जो शॉर्ट की सेल्फ है जिसमें हम स्वाइप अप करके देखते हैं, उसमें आती है तो ही एडवर्टीजमेंट नहीं आते, अदरवाइज कोई चैनल पेज पे आके देखता है, चैनल पे आके देखता है, सर्च करके देखता है, किसी भी तरीके से देखता है, तो उस पर एडवर्टीजमेंट आते हैं जिससे आपकी कमाई भी हो जाती है। तो अगर अभी तक आपने शॉर्ट बनाना स्टार्ट नहीं किया है तो आज से शुरू कीजिए, एक थीम पर बनाइए, सब्सक्राइब करने को लोगों को बोलिए शॉर्ट के अंदर, और कंटिन्यू एक दिन में 1 या 2 शॉर्ट अपलोड करते रहिए। आने वाले टाइम में हो सकता है आपका शॉर्ट भी वायरल हो जाए, क्योंकि YouTube खुद से वायरल कर रहा है, और इससे आपका चैनल भी ग्रो हो जाएगा और बीच बीच में बड़ी बड़ी वीडियो भी डालते रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इसी तरह के वीडियोज में आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।